हेलो वियर्स, सिर दर्द को 10 मिनट में दूर भगाने के जबरदस्त तरीके। सिर दर्द होने के क्या कारण हैं और इसे छुटकारा पाने के जबरदस्त तरीके कौन से हैं? वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस अनियमित दिनचर्या और भागदौड़ भरी जिंदगी में सिर दर्द एक आम बात है। हर उम्र के लोग अक्सर इसकी शिकायत करते हैं। ऐसे में लोग इसके लिए कई तरह की दवाएं भी लेते हैं। कई बार तो सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग काफी पैसे भी खर्च करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि सिर दर्द घरेलू उपचार के जरिए भी आसानी से ठीक हो सकता है? दरअसल कभी कभी तो सिर दर्द ऑफिस में ही शुरू हो जाता है। लगातार कंप्यूटर के सामने बैठकर आंखें गड़ाए रखने से ऐसा होता है। तो ऐसे में जिसके पास सिर दर्द की गोली नहीं होती, वह या तो चाय कॉफी पी लेता है या फिर काम से ब्रेक लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाता है। पर इसके अलावा और भी कई नुस्खे हैं जिसे आप अजमा सकते हैं। इसके अलावा जानकारों के अनुसार आज के समय में लोगों को काम की वजह से या फिर रिश्तों में दरार की वजह से और कई अन्य कारणों की वजह से टेंशन हो रही है, जिसकी वजह से सिर दर्द होना आम सी बात है। और जब सिर दर्द होने लगता है तो कुछ और नहीं सूझता और आपका मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है। पर आज मैं आपको ऐसे जबरदस्त तरीके बताऊंगी जिन्हें फॉलो करने से सिर दर्द दूर भाग जाएगा। नंबर एक, यदि आपका सिर दर्द ठंड में हो रहा है तो आपके सिर दर्द की वजह सर्दी जुकाम हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपको ठंड लग गई हो इसलिए आपका सिर दर्द हो रहा हो। इसलिए आप एक काम करें, एक गिलास गर्म पानी में 5 तुलसी के पत्तों को अच्छी तरह उबाल लें और इस पानी को पी जाएं। 10 मिनट में आपका सिर दर्द दूर हो जाएगा। नंबर दो, यदि सिर दर्द को 10 मिनट के अंदर भगाना है तो एक और तरीका है जिसमें आपको एक गिलास गर्म दूध लेना है और उसमें थोड़ा सा केसर और 2 चुटकी हल्दी मिलानी है और उसे पी जाना है। ऐसा करने से आपका सिर दर्द पल भर में गायब हो जाएगा और आपके सिर दर्द को आराम मिलेगा। नंबर तीन, आयुर्वेद के अनुसार यह विधि बताई गई है कि यदि बहुत सिर दर्द हो रहा हो तो आपके नाक के दोनों छेदों में 2-2 बूंद पिघला हुआ शुद्ध घी डाल दें। 10 मिनट में आपका सिर दर्द को आराम मिलेगा। और यदि आप रोज 2-2 बूंद घी अपने नाक में डालते हैं तो इससे आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी और आपका दिमाग तेज बनेगा। नंबर चार, तेज पत्ते की काली चाय में नींबू का रस निचोड़कर पीने से सिर दर्द में अत्यंत लाभ होता है। नंबर पाँच, नारियल पानी में या चावल धुले पानी में सौंठ पाउडर का लेप बनाकर उसे सिर पर लेप करने से भी सिर दर्द में आराम पहुंचेगा। नंबर छः, सफ़ेद चंदन पाउडर को चावल धुले पानी में घिसकर उसका लेप लगाने से भी फायदा होता है। नंबर सात, सफ़ेद सूती कपड़ा पानी में भिगोकर माथे पर रखने से भी आराम मिलता है। नंबर आठ, लहसुन पानी में पीसकर उसका लेप भी सिर पर करने से आराम मिलता है। नंबर नौ, लाल तुलसी के पत्तों को कुचलकर उसका रस दिन में माथे पर 2 बार लगाने से भी सिर के दर्द में राहत मिलती है। नंबर दस, चावल धुले पानी में जायफल घिसकर उसका लेप लगाने से भी सिर दर्द में आराम होता है। नंबर ग्यारह, हरा धनिया कुचलकर उसका लेप लगाने से भी बहुत आराम मिलता है। नंबर बारह, सफ़ेद सूती कपड़े को सिरके में भिगोकर माथे पर रखने से भी सिर दर्द में राहत मिलती है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है सिर्फ 10 मिनट में सिर दर्द को दूर भगाने वाले जबरदस्त घरेलू नुस्खे। व्यूअर्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और इंग्लिश आपकी प्रॉब्लम है तो अटेंड करें लाइव क्लास बाय गौरव धवन सर वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें जहां भी आप लोगों से मिलते जुलते हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक। मिलते हैं कल ऐसे हेल्थ वीडियो, ब्यूटी टिप्स के साथ। स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। बाय बाय।